पीएम मोदी का सिंगापुर के संसद भवन में हुआ आधिकारिक स्वागत, प्रधानमंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से संसद भवन में मुलाकात की, द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी और सिंगापुर पीएम की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी से संबंधित एमओयू पर भी साइन। सिंगापुर में गर्मजोशी से हुए स्वागत के लिए पीएम मोदी ने आभार जताया, बोले सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा, हम भी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने दी है याचिका। सीबीआई केस में जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई, केजरीवाल की याचिका पर जवाब देगी सीबीआई। सीबीआई की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी, लोगों ने देर रात तक सड़कों पर किया विरोध प्रदर्शन। लोगों ने रेप और मर्डर की शिकार लेडी डॉक्टर को फूलों और कैंडल से दी श्रद्धांजलि, इंसाफ की मांग की। पीड़ित लेडी डॉक्टर के परिवार के लोग भी हुए प्रदर्शन में शामिल, कहा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की कॉल पर कोलकाता में कैंडल मार्च हुआ। जूनियर डॉक्टर्स ने अंधेरे में मोबाइल फोन की लाइट ऑन करके मार्च किया। डॉक्टर्स की कॉल पर लोग रात 9 से 10 बजे तक घरों की लाइट ऑफ उनकी रही। श्याम बाजार और विक्टोरिया मेमोरियल सहित कई इलाकों में निकाला गया कैंडल मार्च। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की, मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल राजभवन पर भी दिखा लाइट ऑफ की कॉल का असर, रात 9 बजे घटना के विरोध के प्रतीक के रूप में बंद की गई राजभवन की बत्तियां। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कैंडल लाइट प्रोटेस्ट का समर्थन किया, अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन का समर्थन किया। कोलकाता के धर्मतल्ला में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया, बीजेपी नेता सुकांतो मजुमदार और अग्निमित्रा पॉल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता प्रोटेस्ट में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने कहा, यह राजनीतिक नहीं समाज का आंदोलन, पूरा देश चाहता है देश की बेटी को मिले न्याय। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी, 67 उम्मीदवारों का ऐलान। सीएम नायब सिंह सैनी की सीट बदली, करनाल की जगह लाडवा से लड़ेंगे चुनाव, अनिल विज अम्बाला कैंट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की पहली सूची में 9 विधायकों के टिकट कटे, पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता और जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर मैदान में, अम्बाला शहर से असीम गोयल और मुलाना से संतोष सरवन बने उम्मीदवार। उम्मीदवारों की सूची पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, सभी की सीटें कर दी गई हैं तय, आज से नामांकन होगा शुरू, 5 से 12 सितम्बर तक सभी अपना नामांकन करेंगे दाखिल। बीजेपी जल्द बची हुई 22 से 23 सीटों पर भी जारी करेगी लिस्ट, मनोहर लाल खट्टर ने दी जानकारी। खट्टर ने एथलीट्स के राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसे होने का आरोप लगाया, कहा आज वही एथलीट्स कांग्रेस से टिकट की गुहार लगा रहे हैं। अम्बाला कैंट से चुनाव लड़ने पर अनिल विज ने कहा, मैं और ज्यादा काम करूंगा, लोगों का और विश्वास जीतूंगा। अनिल विज ने कहा, पार्टी को और ज्यादा आगे लेकर जाएंगे, करेंगे कड़ी मेहनत, काम किया है काम करेंगे और यही मेरा नारा रहा है। हरियाणा बीजेपी में इसकी सूची आते ही भगदड़ की स्थिति, टिकट कटने से नाराज रतिया विधायक लक्ष्मण नापा का इस्तीफा, कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें। हरियाणा कांग्रेस ने रेसलर विनेश फोगाट को दिया टिकट का ऑफर, सूत्रों के मुताबिक चरखी दादरी बाटड़ा और जुलाना सीट से किसी भी एक सीट से लड़ सकती हैं चुनाव। सूत्रों के मुताबिक रेसलर बजरंग पुनिया को भी कांग्रेस ने दिया चुनाव लड़ने का ऑफर, बहादुरगढ़ और भिवानी में से किसी एक सीट का रख सकते हैं विकल्प। हरियाणा चुनाव के लिए जेजेपी की पहली सूची आई सामने, 19 प्रत्याशियों ने ऐलान किया, दुष्यंत चौटाला उचाना से, दिग्विजय चौटाला डबवाली से लड़ेंगे चुनाव। दुष्यंत चौटाला आज सुबह 11 बजे उचाना सीट से करेंगे नामांकन दाखिल, सोशल मीडिया पर लिखा, विरोधियों का भ्रम तोड़ने आ रहा हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बडगाम सीट से लड़ेंगे चुनाव, दोनों सीट पर दूसरे चरण में 25 सितंबर को वोटिंग होगी। उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर की गांदरबल सीट से पर्चा भरा, पीडीपी कैंडिडेट इशफाक जब्बार से है टक्कर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांगली के लिए रवाना हुए, सांगली में जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी दोपहर 1:15 बजे सांगली के कड़े गांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी से राहुल को ज्यादा समझदार बताया, कहा वे अच्छे रणनीति बनाते हैं। सैम पित्रोदा ने शिकागो में दिए एक इंटरव्यू में कहा, राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं, राहुल की गलत इमेज बनाने के लिए खर्च किए गए हैं लाखों करोड़ों डॉलर। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, कहा वो अपराध बुलेटिन करते हैं जारी, उन्हें अपराधों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में भी बताना चाहिए। विजय सिन्हा ने कहा, नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहिए कितने मामलों पर कार्रवाई हुई, कितनों में नहीं, वो घोषणा करें कि किसी अपराधी विधायक को नहीं देंगे टिकट। पीएम मोदी ने टीचर्स डे पर देशवासियों को दी बधाई, डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर नमन किया।